देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत पौधारोपण जारी है। गुरुवार पुलिस ने जीआरपी लाइन स्थित ग्राउंड पर 6,500 पौधे लगाए हैं। इस दौरान पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान चलाया जा रहा। वहीं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पर्यावरण प्रेमी, समाज सेवी और पुलिस भी अभियान में जुड़ गए हैं। गुरुवार को जीआरपी लाइन स्थित ग्राउंड पर पौधारोपण किया है, जिसमें पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राकेश गुप्ता, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह और 4 जोन के डीसीपी सहित इंदौर के पूरे पुलिस विभाग ने पूरे उत्साह के साथ पौधारोपण किया है और उनकी देखभाल करने की बात कही। बिल्कुल, आज पुलिस विभाग के द्वारा जैसा हमने इंदौर शहर में प्रण लिया है कि हम लोग 51 लाख पेड़ लगाएंगे, तो पुलिस परिवार भी आज उसमें अपना एक योगदान दे रहा है और ये सतत प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। आज हम लगभग 6,500 पेड़ लगा रहे हैं और इसके बाद भी हमारे लगातार इसमें वृक्षारोपण का कार्य जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है एक पेड़ माँ के नाम, तो आज हम सभी लोग पुलिस लाइन में सारे हम अधिकारी, हमारे सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपना वृक्षारोपण करेंगे और हम इन पेड़ों का आगे भी ध्यान रखेंगे, ऐसी भी बात हम लोगों ने आपस में तय हुई है। कितने पेड़ लगाएंगे? आज हम 6,500 लगा रहे हैं और ये लगातार हमारी प्रक्रिया जारी रहेगी। पुलिस विभाग भरसक अपना पूरा जो सहयोग वृक्षारोपण के लिए चाहिए हम करेंगे। इंदौर में 51 लाख पौधारोपण अभियान के तहत अब तक लाखों पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं आगे भी एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।